नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके समाज के साथ बहुत अत्याचार हुआ है और बीजेपी सरकार में भी उनके समाज की आलोचना हुई है, लेकिन अब वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आने वाले चुनाव में महान दल के लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सपा की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के शहरों और जगहों के नाम बदलने को लेकर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मैं तो कहता हूं कि कोई लखनऊ मत जाओ, वरना सरकार आप लोगों के भी नाम बदल देगी। साथ ही केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का मजाक बनाते हुए कहा कि सरकार को इसका नाम बदल कर उज्ज्वला योजना रख देना चाहिए, क्योंकि गरीब मतदाताओं बहनों को पहले ही फ्री में सिलेंडर देकर अब लूटा जा रहा है और अब गरीब महिलाओं के घर में उज्ज्वला के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। तो बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है जिस तरह से बीजेपी सरकार पे नाम जगहों के बदले जा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप लोग भी यूपी में लखनऊ में मत जाइएगा, अगर आप लखनऊ जाएंगे तो आपका भी नाम वहां पर बदल दिया जाएगा। साथ ही उज्ज्वला योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उसका नाम बदलकर उज्ज्वला योजना रख देना चाहिए। तो ऐसे में अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी का दौर जारी है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और ऐसे में एक दूसरे को घेरती हुई भी नजर आ रही हैं। तो बता दें, अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर भी सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि साथी के महान दल जो है वो हमारा समर्थन कर सपा की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा रही है और ऐसे में सरकार को भी उन्होंने घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार शहरों और जगहों के नाम बदलने के काम कर रही है, साथ ही अगर कोई भी लखनऊ जाएगा तो उसका नाम भी बदल दिया जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ इटावा से हमारे संवाददाता रोहित सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है और जिस तरह से बीजेपी सरकार यूपी में नाम बदलने के काम कर रही है, शहरों का, रेलवे स्टेशन का नाम बदल रही है, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इसी को लेकर निशाना साधा कि अगर यूपी में लखनऊ में जाएंगे तो आपका भी नाम बदल दिया जाएगा। बिल्कुल, आज सुबह जो है अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपने सैफई में अपने गांव में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय जो है नाम बदलने की राजनीति में जुटी हुई है। अगर आप भी लखनऊ जाते हैं, कोई आम आदमी लखनऊ जाता है, तो यह सरकार उनका भी नाम बदल देगी। एक तरीके से अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरते हुए उस पर ये तंज कसा है कि ये जो नाम बदलने की राजनीति जो है ये गलत राजनीति है। जी बिल्कुल रोहित, और देखिए कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति किस स्तर की जा रही है। देखिए, चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसी तरह से एक दूसरे पर ये पार्टियां जो हैं वो आरोप लगाती हैं और बयानबाजी करती नजर आती हैं, लेकिन अक्सर जब देखते हैं कि चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो सिर्फ पार्टियों को एक दूसरे पर आरोप लगाना ही सबसे ज्यादा दिखता है, लेकिन जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं वो भूलती नजर आती है। बिल्कुल, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो धरातल पे ही रह जाते हैं, उनको नेता नहीं पकड़ते हैं और आपस के एक दूसरे पर छींटाकशी करने के आरोप लगाते रहते हैं। इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। अभी 6 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसको लेकर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको जमीनी स्तर पर काम करने की राय तो दे रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी अभी जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों से मिलती जुलती या फिर ऐसा कुछ करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। जी चलिए रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का लिए। तो बता दें, इटावा
कई पूरा मामला है जहां पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए उन पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने जिस तरह से बीजेपी की सरकार यूपी में जगहों के नाम बदल रही है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि अगर आप लोग भी लखनऊ में जाएंगे तो आपका भी नाम बदल दिया जाएगा। वहीं उज्ज्वला योजना को लेकर भी बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। ऐसे में उन्होंने उज्ज्वला योजना को लेकर भी कहा कि इसका नाम भी बदलकर उज्ज्वला योजना सरकार को कर देना चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। गोंडा में सपा के युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता शैलेश कुमार यादव जिले में पहुंचे जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव और जनसभा जिलाध्यक्ष सरफराज हुसैन मौजूद रहे। वहीं पार्टी कार्यालय पर आयोजित सपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर आने वाले चुनाव की रणनीति भी बनाई। साथ ही कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए जुट जाएं जिससे आने वाले समय में सपा की सरकार बने। वहीं कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता शैलेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में अखिलेश यादव के न जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री से पहले ये सवाल करें कि अगर हिम्मत है साथ ही वही मुनव्वर राणा पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये पुलिस की कार्रवाई है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने खुद पे अपना जो हमला हुआ है वो उन्होंने खुद कराया है। पुलिस से विवेचना आई है, विवेचना पुलिस ने की है, हम उस पर कोई मतलब कहना नहीं चाहते हैं उसके बारे में, हमें उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन लगातार भाजपा के लोग पुलिस का और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों पे एक लगता है कि शंका होती है कि कहीं ना कहीं उन लोगों पे और उनके समाज पे अत्याचार हो रहा है और पुलिस प्रशासन लगातार भाजपा के दबाव में है और ये दिख रहा है। पंचायत चुनाव में, ब्लॉक चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ये साबित कर दिया है भाजपा ने कि भाजपा के साथ पुलिस और प्रशासन है और उसके लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस बलों में विकलांगों का आरक्षण खत्म होने की गूंज अब कानपुर में भी सुनाई दे रही है। कानपुर बड़ा चौराहा स्थित राम आश्रय पार्क में विकलांगों ने इकट्ठा होकर ताली थाली बजाई और काली पट्टियां बांधकर सरकार के फैसले पर विरोध जताया। विरोध कर रहे विकलांगों ने बताया कि सालों से केंद्र और राज्य सरकारें विकलांगों को आरक्षण देती आ रही है जो कि जायज भी है और देश में अगर आरक्षण का कोई सही हकदार है तो वो विकलांग ही है। ऐसे में विकलांगों ने साफ किया कि अगर सरकार ने आरक्षण वापस लेने का फैसला वापस नहीं लिया तो विकलांगों ने राज्य से केंद्र तक के मंत्रियों के आवासों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा और आने वाले उन्होंने कहा कि समय में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो कानपुर में विकलांगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरक्षण को लेकर जो बात थी उसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि अगर सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो कानपुर में ही अलग अलग जगहों पर जाकर मंत्रियों और विधायकों के आवास को घेरा जाएगा और ऐसे में विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। तो बता दें कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर आरक्षण खत्म होने पर विकलांगों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। विकलांगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ताली और थाली बजाकर विकलांगों का ये प्रदर्शन हुआ और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि सरकार अगर अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम आगे भी ये प्रदर्शन करेंगे और मंत्री और विधायकों के आवास का घेराव भी करेंगे।
आज ये जो थाली और ताली बजाकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भारत सरकार ने देश के विकलांग व्यक्तियों का रिजर्वेशन केंद्रीय पुलिस बलों में खत्म कर दिया है। देश के अंदर अगर रिजर्वेशन का कोई असली हकदार है तो देश का विकलांग व्यक्ति है, और उसका रिजर्वेशन अगर खत्म कर दिया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की सरकार हमें नहीं चाहिए। योगी जी ताली और थाली बजवाते हैं, हमने ताली और थाली बजवा के उनके दिमाग को खोलने का काम किया है कि वो अभी भी होश में आ जाए। देश में 10% दिव्यांग व्यक्ति है जो मतदाता है देश के, और वो भी वोट देते हैं। जिस दिन वो एकजुट हो गए देश के विकलांग, उस दिन सरकार नहीं बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार। आप दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाते हैं और उसके बाद आप आरक्षण खत्म कर देते हैं, ये न्याय नहीं है। न्याय करिए, यूपी में 500 रुपया पेंशन देते हैं, दिल्ली में 5000 पेंशन मिलती है, जमीन आसमान का फर्क है। ये जिम्मेदार सरकारें हैं, इसलिए हमारी सरकार से केवल दो मांगे हैं, रिजर्वेशन हमारा वापस करिए, और दूसरी बात ये कि रिजर्वेशन 10% करिए आबादी के अनुसार, और तीसरा ये है कि अगर आप बहुत ही मजबूरी में जिन्हों आपने रिजर्वेशन वापस किया है तो जो दूसरे विभागों में रिजर्वेशन है उनका रिजर्वेशन बढ़ाइए, उधर जो है वो मेकअप करिए। कानपुर देहात में दबंगों के डर से 25 परिवार के 55 सदस्यों के पलायन की खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने संयुक्त रूप से तत्काल मामले में संज्ञान लिया। बता दें कि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पलायन किए सभी परिवारों को उनके आशियानों में पहुंचा दिया है। साथ ही प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दबंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। तो कानपुर देहात का एक पूरा मामला है जहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर देखा गया है। दरअसल बीते दिनों ये खबर आई थी कि 25 परिवारों के 55 लोगों ने पलायन कर लिया है दबंगों के डर से, जिसके बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ ही पलायन जिन लोगों ने किया था उन्हें उनके आशियानों में अब वापस पहुंचा दिया गया है। घर में हमारे वापस आ गए हैं, पुलिस की सहायता से हम लोग घर में आ चुके हैं। हमें हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पुलिस की सहायता से हमें बहुत मदद मिली। पुलिस ने हमारा सब काम देखा और पुलिस ने हमको वापस घर भी भेज दिया। पुलिस ने कितनी मदद करी आपकी? बहुत मदद करी। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो चुकी है, इसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं? मामला ये है कि मतलब ये लोग कहते हैं हमारी जायदाद है, आप घर खाली करो। हम लोग इधर से चले गए, घर खाली, हमारा पूरा परिवार चला गया। हम लोग वहाँ झोपड़ा डाल के बने रहे, और झोपड़ा जैसे हम लोगों ने डाला और आराम से रहे उधर, 2-3 दिन हो गए, इन लोगों ने कोई सुनाई नहीं किसी ने की। तो हम लोग आ रहे थे आटा चावल के लिए लेने के लिए, इन लोगों ने फिर भी वहाँ तक पहुँच की कि इसको मारें, और अभी ये लोग धमको नहीं दे रहे कि मारेंगे। ठीक है, अब पुलिस की मदद से तो बना आप अपने घर पे आ चुके हो, पुलिस ने आपने कितनी मदद की? पुलिस मदद उसने खूब की है, ठीक है, और अभी भी कर रही है, और इधर है पुलिस। लेकिन अब ये बात है कि अभी वो लोग फिर भी पुलिस की जो कार्रवाई उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत। आप कोई दबंगों ने कोई दबाव बनाया आपके ऊपर? ना, अभी वो लोग कह रहे हैं फिर भी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब छूट के आएंगे, जब देखेंगे इन लोगों को। ये 24 अगस्त की घटना प्राण की है। उस दिन पीईटी की परीक्षा चल रही थी, हम लोग परीक्षा में बैठे, शाम को समय में सूचना प्राप्त हुई कि नायक समाज के ही कुछ लोगों को नायक समाज के ही लोगों ने उनको घर से उनको निकाला और खेतों में जाके बैठ गए हो। इसके बाद सीओ डेरापुर और एसओ मंगलपुर, पर्याप्त पुलिस बल और राजस्व स्टाफ के साथ मौके का निरीक्षण किया गया, और जांच में ये पाया गया कि हरपाल आदि जो नायक समाज के हैं, हरपाल पुत्र ज्ञान सिंह, इन लोगों का ये कहना था कि हमारे पूर्वजों ने लगभग 40 वर्ष पूर्व साहूकार नायक और पहलवान नायक इन लोगों को अपनी ही निजी जमीन में 40 साल पूर्व बसाया गया था, उसी में ये लोग रह रहे थे। और नया मामला हैंडपम्प लगाने को लेकर के विवाद था,
एक हैंडपम्प आया था, हरपाल गाना था जो हमारे नाम आया था और हमारी ही घर के सामने लगाया जाना था। गांव के अन्य लोगों का और प्रधान जी इन लोगों का और विपक्ष का ये कहना है कि इनके यहाँ जगह पर्याप्त नहीं थी दरवाजे पर, इसलिए ये साहूकार के लड़के नरेंद्र कुमार के घर पर लगाने की बात चली। वहाँ पर प्रधान के द्वारा प्रयास किया गया जिस पर इन पक्षों में आपस में विवाद हुआ। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मनोज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पिछले काफी दिनों से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ये खबर दिखा रहा था और पिछले दिन भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था, अब जो है वो कार्रवाई कर ली गई है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए फिलहाल ये 24 तारीख का मामला है, मंगलपुर थाने का किशोली गाँव पड़ता है जहाँ पे 25 लोगों के पलायन का मामला सामने आया था। जब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो मीडिया ने गांव पे जाकर के खबर बनाई और खबर बनाने का कवरेज करने का चलाया गया जिसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद तत्कालीन शासन ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद मौके पे जाकर के जो दोषी हैं जिनके द्वारा इन पीड़ितों को धमकाया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, उनके खिलाफ तत्काल ही पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी लोगों को इनके इनके आशियाने में वापस पहुंचाया है और इन्हें पूरा विश्वास दिया है कि आप जब तक यहाँ पे हैं तब तक आप सुरक्षित रहेंगे, आपसे किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना ही आपसे कोई आवाज उठाकर बात करेगा, ये आपको पूरा हक आपको दिया जाएगा। अब उसके बाद प्रशासन बराबर इस पे पहली नजर बनाए हुए है और शासन प्रशासन के अधिकारी मौके पे जा करके पुलिस फोर्स मौजूद है। लेकिन मनोज देखिए जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि अब आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन देखिए जो परिवार थे जिन लोगों ने पलायन किया था वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दबंग अभी तो जेल चले गए हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि जब हम बाहर आएंगे फिर से तुम लोगों को देख लेंगे, तो उसके बाद क्या पुलिस प्रशासन फिर से इस चीज के लिए तैयार है कि आगे इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो? जी देखिए ये बात तो साफ सामने आ रही है, पीड़ित ने साफ कहा है कि जब दबंग यहाँ से गए हैं तो उनके द्वारा इन्हें धमकी दी गई है कि जेल से आने के बाद वो आपको देख लेंगे और यहाँ से भगा करेंगे। इसी बात को मुस्तैदा देखते हुए पुलिस प्रशासन बराबर ही वहाँ पे मुस्तैदी ले रहा है और वहाँ पे थाने का फोर्स दिन में कम से कम 3 से 4 बार जाकर पिकेट करता है, देखता है मौके पर उनके हालचाल पूछता है और परमानेंटली वहाँ पे 2 से 3 लोगों को नियुक्त कर दिया गया है कि आप पूरे घटनाक्रम पे नजर रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे, किसी प्रकार की अगर कोई भी हरकत होती है तत्काल आला अधिकारियों को सूचित करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात का ये पूरा मामला है जहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की एक खबर का असर हुआ है और पिछले दिनों न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने यह खबर दिखाई थी जिसके बाद पलायन कर रहे लोगों को अब उनके घरों में वापस पहुंचा दिया गया है, साथ ही 6 दबंगों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। आखिर बेटियां कहां हैं सुरक्षित? जी हां, खबर बहराइच से है जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बेटियां सुरक्षित कहां हैं? जब घर में पिता ही दरिंदा बन जाए तो बेटियां कहां सुरक्षित हैं? दरअसल बहराइच में एक पिता 2 साल से अपनी नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता रहा था। जब नाबालिग ने अपने पिता की करतूत माँ को बताई तो माँ के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो, जिसके बाद महिला ने पुलिस के अपने पति के खिलाफ ही पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया और जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो बहराइच का पूरा मामला है जहां पर पिता ने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और पिछले 2 साल से इस तरह से पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था। वहीं जब बेटी ने अपनी माँ को इस बात की जानकारी दी तो माँ ने उसके बाद पुलिस में जाकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद अब उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। आवत थाना है आज दिनांक 25/8/2021 को थाना सुजोली में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ विगत 2 वर्षों से डरा धमका कर यौन उत्पीड़न का मामला उसकी मां द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जिसके संबंध में थाना सुजोली में मुकदमा का संख्या 122/21 धारा 373, 323, 506 ITC तथा 5P/6 फॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है। तत्काल पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अनिल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, पिता ने ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, जब आखिर बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं होंगी तो बाहर किस तरह से सुरक्षित होंगी? जी हम पारुल, हम आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहराइच जनपद से सटा हुआ का ये सबसे आखिरी गांव है, बाटा का आखिरी गांव है, सुजौली थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर ये काफी मानवता को संहार करने वाली घटना है। ये जब एक बेटी अपने बाप से ही सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज में किस प्रकार का माहौल है। आज इस खबर से हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मानवता के साथ नैतिकता का भी पतन हो चुका है। आज उसकी वानगी देखने को मिली हमें बहराइच जनपद में, जहां पर एक बाप के द्वारा ही अपनी बेटी से ही पिछले दो वर्षों से लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था, और जब वो काफी अपने आप को इसमें तंग पाया तो उसने कहीं ना कहीं अपनी माँ को बताया, तो माँ से रहा नहीं गया और उसे मित्र पुलिस को बताया। और सबसे इसमें चौंकाने वाली बात थी कि करीब 72 घंटे तक उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस मामले को दबाने का प्रयास करती रही, जिस पर मीडिया ने बात कोशिश की तो पुलिस ने मीडिया को गुमराह करने का कार्य किया है। बहरहाल उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद ये मामला दर्ज किया गया है और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी पारुल जी, बिल्कुल। अनिल, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, तो क्यों ये मामला दर्ज नहीं किया जा रहा था? जब पत्नी ही अपने पति के खिलाफ ये मामला दर्ज कराने वाली थी तो क्यों इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही थी? हम आपको बताना चाहेंगे, ये बहराइच जनपद का आखिरी थाना क्षेत्र है जो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, इंडो नेपाल बॉर्डर के करीब में है, तो वन क्षेत्र आता है। यहाँ पर आज भी सूचना संचार की व्यवस्थाएं काफी कम है, लेकिन जब ये मामला काफी दूर फैलता गया तो करीब 72 घंटे के बाद जब आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो एसपी के निर्देश, सुजाता सिंह के निर्देश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस आरोपी हैवान उस बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सलाखों के पीछे है और उसको जेल भेजा जा चुका है। जी पारुल जी, चलिए अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बहराइच का ये पूरा मामला है जहां पर कलयुगी पिता ने रिश्तों को शर्मसार किया है और अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बरेली पुलिस ने एक नाइजीरियन ठग को हिरासत में लिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को तब हिरासत में लिया जब जिस समय वो अपनी ठगी की रकम लेने फरीदपुर पहुंचा था। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद हुआ जिसकी सूचना पुलिस को मिली और इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और जब पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि युवक भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रहा था। ठग फरीदपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले अपने एक साथी के पास ठगी के पैसे लेने आया था, तभी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और बता दें, फरीदपुर पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो नाइजीरियन साइबर ठग का सदस्य है और दिल्ली में रहकर अपना ठगी का धंधा चला रहा था। उसी सिलसिले में ठगी की रकम लेने वो बरेली पहुंचा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।